क्षमा परवाने से कहती है, दूर हट परवाने तेरी नाक बहती है। इससे हाइट में नहीं जाते हम लोग, क्या करें, संकट है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नारायण जी आपने तो पहली पढ़ा होगा मैं सोचता हूँ, कम से कम है, क्या बात है, क्या इतना भी नहीं पढ़े होंगे तुम लोग, है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। क्या बात है, क्या बात है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ दो लालू उठ, पाठ दो लालू उठ चारा खा, लालू उठ चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, क्या बात है, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी, हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी, पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ, टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा, पति एक दयनीय पालतू प्राणी है, पति एक दयनीय पालतू प्राणी है, जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं, जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति की दो आंखें होती हैं, जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का गुलाम ये सस्ती सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। सांस लेना है भाई, वाह 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 दुबे जी। मोदी जी कहते हैं काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं, विजय माल्या सफेद धन लेके चला गया। मैं तो अभी किंग फिशर के ऑफिस में बंबई में बैठा था, एक एयर होस्टेस पागल हो गई है, आसमान की तरफ देख रही थी, आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे मेरे विजय माल्या ललित मोदी, आएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में बुद्धि प्रकाश दादीच ने मेरी सुंदरता की बात की, ब्राह्मण होके भी उसको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया, कौआ ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो साला लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, ये मेरी सुंदरता की बात कर रहा है। इसको पता नहीं है माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है कि बात नहीं, सीरियसली बोल रहा। मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। लेकिन एक बात है बुद्धि प्रकाश, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद तेरे मुंह से कविता निकलती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लाखों 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 लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है, मुझे तो फक्र है ये काया नोखा में हंसाने के काम तो आता है। क्या बात है, क्या बात है।
लेकिन क्या करें, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। बोले मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? मोदी के आने से बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। केजरीवाल की खांसी ठीक हो गई, राहुल गांधी को बोलना आ गया, बहुत फर्क पड़ा। समय बहुत खराब है, आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है। इतने में आप लोग हमारी रात को इतने बजे सुन रहे हैं, कम बड़ी बात है। जमाना बदल गया, जमाना बदला है। पहले घर के बुजुर्ग को दरवाजे में बैठा देते थे, काका जी थे बैठो बैठो, कुकर ना घुसे अंदर, कुत्ता मत जाए, काका जी थे दरवाजे में बैठ जाओ, बुजुर्ग को बैठा देते थे। अब जमाना बदल गया, कुत्ते को बैठा देते हैं, काका जी मत घुसे। क्या बात है, ये समय बदला। पहले शादी ब्याह होते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, नाचने के लिए हम बाहर से नाचने वाली बुलाते थे। समय बदल गया, अब घर की औरतें नाचती हैं, खाना बनाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। समय बदला है, क्या बात है, समय बदला है। इस बदले समय में कविता को बचाना है। तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। रहस्य में आ गया है फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, अपडेट। यहाँ पैर टूटता है, बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले व्हाट्सएप में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, मेरा टूटा हुआ पैर। शादी के एक एक मिनट टू मिनट लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ये मेरी घोड़ी, घोड़ी में बैठा मैं, ये मेरी दुल्हन, ये मेरी सेज, दुल्हन का घूंघट उठाता मैं। करते रहा, आगे भी अपडेट देना, हम भी जाग रहे हैं। तो क्या बदल गया, जमाना बदला है भाई साहब, खूब बदला है। लड़की अगर कमेंट डाल दे फेसबुक में, डाल दे कि आज मैं पैदल कॉलेज गई, नीचे कमेंट आ जाता फट से, उफ़ो मुझे बताया होता होंडा सिटी में छोड़ देता। पैदल कॉलेज गई, नीचे कमेंट आ जाएगा, उफ तुम्हारे तो गुलाबी पैरों में छाले ही पड़ गए होंगे। अब लड़का कमेंट डाल दे आज मैं पैदल कॉलेज गया, नीचे कमेंट आएगा फट से, तो और किस में जाएगा वे कंगले। समय बदल गया है, इस बदले समय में कविता को बचाना है। तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। बाबा रामदेव को मशीन में फंसाए, बोले अन्ना को भी फंसाओ। 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता, 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता। केंद्र सरकार ने दिखाया दम, 2 नींबू फंसाया, एक कपिल सिब्बल एक चिदंबरम। क्या बात है, चिदंबरम मीन्स ऑलवेज वियर लुंगी, लुंगी इज पार्टी वियर, एयर कंडीशन, नीचे से हवा जा रही है। इडली डोसा खाया है, चेहरा खिला है, लगता है इसको भी मोटा माल मिला है। वो अमेरिका जो मोदी को नहीं देता था वीजा, वो बोलता है आजा जीजा, खा ले वीजा, ले जा ले वीजा। मोदी जी चीन के राजदूत से हाथ मिलाए, 4 बार हिलाए, तो उनके पीए ने कहा छोड़ दो सर, मेड इन चाइना है, उखड़ जाएगा। समय बदला है। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी, विदेश मंत्री नहीं है, खूबसूरत उतनी छह बुद्धि। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी जब दिल्ली आई, नेता हाथ मिलाए, हाथ ही ना छोड़े। पीए बोलते थे रिलीज सर, तब हाथ छोड़ते थे। ऐसी खूबसूरत विदेश मंत्री जब दूसरे देश जाती है, बड़े बड़े काम सलटा के आती है। ऐसी खूबसूरत विदेश मंत्री जब दूसरे देश जाती है, बड़े बड़े काम सलटा के आती है, हमारे देश के समान। ये बुढ़वे खुड़वे विदेश मंत्री खांसते खखारते जाते हैं, रोते गाते आते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, हर कोई कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, पूरा देश कहता है टाइम नहीं, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी रायपुर आए, खूब डेवलपमेंट हुआ छत्तीसगढ़ में, खूब सड़कें बनी, मल्टीप्लेक्स बना, समृद्धि बाजार, इंदिरा मार्केट,
मरघट शमशान घाट तो नारायण जी इतना बढ़िया बनवाया है कि देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये बुद्धि गया, बोले क्या चबूतरा है? हम बोले ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये अभी सबाना अदीब के साथ हम लोग कलकत्ता में कवि सम्मेलन कर रहे थे, मारवाड़ी समाज का, रतनगढ़ मारवाड़ी समाज। एक मारवाड़ी सज्जन बाहर में खड़े थे, जैसे ही अंदर घुसे मेरे से बोले ये छोरी कौन है? मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? थारी बार सही है पर मारे पास चश्मा लगाने रो भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है साहब, बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनिजान, ग्राइप वाटर, एबडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। रहस्य में आ गया, मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन। एक घंटे मोबाइल से बुद्धि बात कर रहा था होटल में। किससे बात करता है भाई? बोले पत्नी से। बोले एक घंटे करता है? बोले मेरी थोड़ी है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया, पानी अमूल्य है इसे व्यर्थ ना बहाएं। पानी अमूल्य है इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा है? S4 तेरा? बोले मेरा भी S4। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले हट 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया? मैंने कहा हाँ, मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए। अभी बेटी की बात चल रही थी तब एक तर्क रखना चाहता हूं। 125 करोड़ लोग मिलकर एक दामिनी की, एक बेटी की इज्जत नहीं बचा सके, और सिंधु ने सिल्वर मेडल लाकर 125 करोड़ लोगों की इज्जत बचाई। बेटी सामान्य नहीं होती भाई साहब, बेटी और माँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर इस माइक में मैं खड़ा हूं, इस माइक में बैठा है प्रताप फौजदार, छोटे पर्दे का बड़ा कलाकार है, इसलिए नहीं है कि इसमें योग्यता है, इसलिए है कि इसकी मां ने इसको बोलना सिखाया। अगर मां हमको बोलना नहीं सिखाए, अगर मां हो जाएगी मौन तो बोलेगा कौन? वाह वाह वाह। मां है तो हम हैं, मां है तो हम हैं, मां है तो हम हैं। लेकिन क्या करें, अगर कोई बेबस औरत, औरत के कई रूप होते हैं बेटे, वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है, उसी औरत का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। वाह वाह। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के हजार घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। क्या बात है। वाह वाह। लोग ये कहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां ऐसे टॉप और जींस पहनती हैं जिसके कारण व्याभिचार बढ़ता है। आज की रात उन बेटियों का वकील हूं मैं, मेरी लड़की भी DM है बिलासपुर जिले में, छत्तीसगढ़ में एक बेटी मेरी भी है जो DM है। तब मैं तर्क के साथ बात करता हूं, जो ये कहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, व्याभिचार बढ़ता है, तब मैं कहना चाहता हूं, रही जिस्मों की नुमाइश की बात, ये तुम्हारे बचने का बहाना है। तुम तो गजब का कहर ढालते हो और सिर से पैर तक ढकी औरतों को भी निगाहों से नंगा कर डालते हो। वाह वाह। बेबस औरत, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए,
और नारायण झंवर जी अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाए तो कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे ऐसे नहीं भाई साहब, सब अभी तो बहुत स्लोज, हाँ अभी तो हंसने की प्यास बाकी है। नहीं तो मैं तो जा ही नहीं रहा था, भाव बढ़ा रहा था। एक कविता मैं आपको पहले और सुना देता हूँ, आप लोगों ने शायद बाबा क्या बात में सुनी हो, देखी हो, नहीं देखी हो तो मेरा सौभाग्य, देख लिया हो तो भी मेरा क्या हो सकता है। मैं सुनाता हूँ, अब टाइम नहीं है, पहले शादी ब्याह होते थे पंगत लगती थी, अब क्या है लोगों के पास टाइम नहीं है, तंबू लगा देते हैं, बोलते हैं जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ, उसको बोलते हैं बफे। आज सब गए हैं बफे में, मैं गांव के बफे का एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूं। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। क्या बात है, ताली बजानी पड़ेगी क्योंकि सांस लेनी है। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम, सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। सांस लेना है, बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम, सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे। उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अभी गया था कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। सांस लेना है। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कमबख्त पीता भी नहीं, 501 रुपया दिए हैं। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई, पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहनकर आती है, ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झलाई नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है, जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा, जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, है नहीं सांस लेना है। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मान गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और आठवां रसगुल्ला निकलते हुए पत्नी ने पति से पूछा ए जी लिफाफे में कितना डाला? आठवां रसगुल्ला निकलते हुए, अंडरलाइन आठवां रसगुल्ला निकलते हुए पत्नी ने पति से पूछा ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबेरे तक खाएंगे लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कि आदमी आए थोड़ा खाए ज्यादा बतियाए मुस्कुराकर चला जाए, पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहां आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है खड़ा नहीं रह पाता है, आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है कि खड़ा नहीं रह पाता है। दरअसल बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता, इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बजाएं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान की खूब बात चल रही है, पाकिस्तान की हरकतों से खूब बात चल रही है, पाकिस्तान को तो नोखा की 2 महिलाएं निपटा देती है, बर्तन मानते मानते एक ने दूसरे से कहा ये नवाज शरीफ में ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, तो बोले पहले कीड़े से तो पूछ पड़ेंगे कि नहीं। वो पाकिस्तान जिसको मिला लो झंडा फहरा दो, गरीब
जिसकी ट्रेन खड़ी हो गई डीजल नहीं था तो वो हमारे बराबरी करेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान झगड़े के दो कारण कश्मीर और क्रिकेट। कर कर बॉलिंग कर 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 बॉलिंग कर, हम तो बैटिंग करेंगे। अगर मेरा बेटा भी करगिल जाएगा तो तेरी खोपड़ी में चौका लगाएगा। कर कर बॉलिंग कर, हम तो बैटिंग करेंगे। अगर मेरा बेटा भी करगिल जाएगा तो तेरी खोपड़ी में चौका लगाएगा। तूने डमी खिलाड़ियों से फील्डिंग करवाई है, तभी तो करगिल, टाइगर हिल्स और द्रास में घुसपैठ कराई है। अब के बिजली पाकिस्तान में जबरदस्त गिरेगी, क्योंकि बाल बाउंड्री लाइन में नहीं, इस्लामाबाद में गिरेगी। कर कर कैच कर, कर कर कैच कर, कर कर कैच कर, बाल नहीं बम है, कैच कर अगर दम है। हमारा सिपाही सरहद में जाग रहा है, तू साला कटोरा लेकर अमेरिका से भीख मांग रहा है। भारत से लड़ने के लिए दो चार हथियार मिले बाबा। हमारा सिपाही सरहद में जाग रहा है, तू साला कटोरा लेकर अमेरिका से भीख मांग रहा है। भारत से लड़ने के लिए दो चार हथियार मिले बाबा। अब अगर हमारा सिकंजा कसेगा तो हारने के बाद तेरे पास पेविलियन भी नहीं बचेगा। कर 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 बॉलिंग कर, कर कर कैच कर, बाल नहीं बम है, कैच कर अगर दम है। कब तक चलेगा आड़ी तिरछी चाल, भीख में मांगेगा अमेरिका से बाल। अरे अभी तो जडेजा और सहवाग खेल रहे हैं, जब धोनी मिसाइल लेकर आएगा तो कौन से बाप के पास जाएगा। हमारे एक से एक विकेट हैं, एक से एक जौहर दिखाएंगे, और जरूरत पड़ गई दो चार सौ रन तो नारायण झंवरी बनाएंगे। कर कर बॉलिंग कर साहब, जो जन्म लेता है वो मरता है, जिसके जन्म की तारीख है उसके मरने की तारीख है। मेरी जन्म तिथि अगर 8 अगस्त 1954 है, मेरे मरने की भी तारीख है। हिंदुस्तान की जन्म तारीख क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की जन्म तारीख है 14 अगस्त 1947, और जिसके जन्म की तारीख है उसके मरने की भी तारीख हो। अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग खाली हाथ पैदल बिना हथियार के, अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग खाली हाथ पैदल बिना हथियार के पाकिस्तान में घुस जाए तो 16 करोड़ तो साले कुचल के ही मर जाए, तो 16 करोड़ तो साले कुचल के ही मर जाएं। हम तुझे कश्मीर का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, और नोखा की मिट्टी की कसम, अब के जंग हुई तो इस्लामाबाद भी ले लेंगे।